जौनपुर में बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों पर सख्ती जारी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सील किए 4 हॉस्पिटल। गोरखपुर जिले के चोरी चौरा के सोन बरसा और पिपराइज के कैथवलिया में बिना पंजीकरण के 2 हॉस्पिटल चल रहे थे। शनिवार की शाम को जॉइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर व ASPCO चोरी चौरा ने संयुक्त रूप से दोनों जगह छापा डाला। अधिकारियों के पहुंचने पर संचालक के साथ ही कर्मचारी फरार हो गए। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने दोनों हॉस्पिटल को सील कर इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रविवार को मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आइए चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शनिवार की शाम 5 बजे जॉइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर नेहा बंधु व ASPCO चोरी चौरा मानुष पारिक फोर्स के साथ सोन बरसा स्थित डॉक्टर RP सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। काउंटर पर बैठे कर्मचारी से हॉस्पिटल के पंजीकरण का कागज मांगा तो उसने जानकारी होने से इनकार कर दिया। पता करने के बहाने बाहर निकला तो फरार हो गए, जबकि हॉस्पिटल में 2 मरीज भर्ती थे। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने दोनों मरीजों को एम्बुलेंस से BRD मेडिकल कॉलेज भिजवाने के साथ ही हॉस्पिटल को सील कर दिया। यहां से निकलने के बाद दोनों अधिकारी पिपराइज के आयुष हॉस्पिटल पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचने से पहले हॉस्पिटल खाली हो गया था। आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले संचालक और कर्मचारी गाड़ी पर सामान लादकर यहां से निकले हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने इस हॉस्पिटल को भी सील कर दिया है। ADG के निर्देश पर खोराबार थाना पुलिस ने 4 के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर निवासी संजीव वर्मा ने ADG जोन अखिल कुमार को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि गगहा के हटवा निवासी मंजीत सिंह, हाल मुकाम मल्हार, सहारा स्टेट मानवेंद्र प्रताप सिंह, आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने अपने एक अन्य सहयोगी संघ फर्जी सोसाइटी का गठन कर सहारा कॉलोनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।